अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय जया कुकिंग चैनल। आज की हमारी रेसिपी है मसाला भरी भिंडी, जो मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मसाला भरी भिंडी। जी, स्टफिंग फ्राइड भिंडी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, भिंडी है मेरी तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम है, जिसको मैंने धो के ड्राई करके तो ऐसे इसको कट्स लगा लिए है ना, जिसमें हम स्टफिंग करेंगे। तो स्टफिंग के लिए जो हमें मसाला जात चाहिए, ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, आमचूर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 1/2 टीस्पून, हल्दी जो है ये भी 1/2 टीस्पून है, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है जो हमने इस्तेमाल करना है, और ये 1 चम्मच ऑयल है जो हमने मसाला जात को भूनने के वक्त करना है। फ्राई के लिए जो घी होगा वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। चले जी, स्टार्ट करते हैं इस स्टफिंग को बाइंड हमने कैसे करना है, ताकि इसकी फिलिंग अच्छी तरह से हो सके। चले जी, अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च थी, पहले सबसे पहले हम उसे डाल देते हैं। घी मैंने डाल दिया जो मैंने आपको दिखाया था, तो इसको थोड़ा सा हम ताकि इसका कच्चापन जो है ब्राउन नहीं करना हमें, उसी स्टेज पर हमने जो ड्राई मसाला जाते हैं वो सारे हमने ऐड कर देते हैं। ये सारे मसाला जात जो ड्राई वाले थे वो हमने सारे ऐड कर दिए इसमें, बस इसको बाइंडिंग की हद तक हमने भूनना है ताकि ये बाइंड हो जाए। ऑयल डालने का मकसद और इसको करने का मकसद भी ये रहता है कि हमारे मसाले यकजान हो जाएं, बाइंडिंग के लिए हो जाए, ताकि हम इसकी फिलिंग कर दें। एक से बस 1 मिनट के लिए इसको हम करना चाहें, तो देखिए फिलिंग के लिए बाइंड हो गए। तो अब हम इसको करते हैं ठंडा, थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं, ठंडा होता है तो मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ। चले जी, ये 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, और ये है हमारी स्टफिंग भिंडी जो जिनको मैंने फिल कर लिया। अब करते हैं इसमें ऐड, पहले हम इसको ना थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाएंगे, घुमाएंगे इसको ताकि इसका वो जो मॉइस्चर है वो जल्दी सो जाए। आजकल भिंडी का सीज़न है, सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, मेजोरिटी लोग इसको पसंद करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आज मैं नए तरीके से दिखा रही हूँ। इस स्टेज पे आके हमने इसको थोड़ा कवर कर देना है ताकि भिंडी थोड़ी गल भी जाए, फिर मैं दिखाती हूँ गाय बजाय इसकी स्टेज। इसको करते हैं कवर और फ्लेम को करते हैं लो। अब तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसकी अपनी स्टीम में ही इसने गलना होता है। सॉफ्ट मसाला हो गया, इसकी कंडीशन देखें। अभी हम इसको देंगे 2 से 3 मिनट और फिर करेंगे इसको फुल फ्लेम पे फ्राई। अब देखिए इसकी लेस वगैरह भी ख़त्म हो गई है, नहीं नज़र आ रही, तो अभी इसमें लगता है कि कच्चापन है। मैं चेक करती हूँ, नहीं जी, सॉफ्ट हो गई काफ़ी। तो अब हम इसको करते हैं फुल फ्लेम पे फ्राई। फ्लेम मैंने कर लिया फुल, और इसको करती हूँ मैं फ्राई फुल फ्लेम पे। तो आपको दिखाती हूँ फाइनल। देखें, काफ़ी मसाला क्रिस्पी हो गया, और इसने अपना जो ऑयल था वो भी छोड़ दिया है। ये हमारी भिंडी अब रेडी है, तो करते हैं इसको डिश आउट, तो दिखाते हैं आपको फाइनल। हमारी आज की डिश मसाला भरी भिंडी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चिड़िया कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नई रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।